आपको बता दूं मैं एक बात कि सबसे अच्छे इंड्यूसर कौन होते हैं? रिलेटिव्स, रिश्तेदार। अभी नीट का रिजल्ट आया ना, बहुत लोग घर में आते हैं, क्या कर रही बेटी, हुआ सिलेक्शन, बने डॉक्टर। अब आप तो सिर नीचे कर लिया, आपने कहा आप क्या बोले इनको, बुआ जी को क्या बोले, या मौसी तो नहीं करती है, दादा के दूर की बुआ, डिस्टेंस के मौसी का एक अलग बॉन्ड होता है एक्चुअली, बताऊ मैं के मैंने तो महसूस किया कि डिफरेंट बॉन्ड होता है वो, ठीक। तभी नाम मासी है, माँ के समान, माँ बाप को फर्क नहीं पड़ा। पिताजी गुस्सा होंगे, बोलेंगे, क्योंकि पिताजी को चार लोग पूछेंगे इसलिए पिताजी बोलेंगे गुस्सा हो के आपको, मम्मी बचाने आएगी, नहीं नहीं मेरे बेटे ने मेहनत किया था, ये तो लेट हो गया एग्जाम, कोरोना था इसलिए वो पढ़ नहीं पाया ना, हाँ तुम आप मत करो बीच में, हाँ वो कर रहा है, मम्मी बीच में आके ढाट ढाट पिताजी का जो बार होता है, पिताजी का वाक्यवाण चलाते हैं बहुत सारे बाहर सुन गया, तो पिताजी के वाक्यवाणों को शील्ड बन के मम्मी संभाल रही होती है, और आपको चुप चुप तो बोलो नहीं, पिताजी और गुस्सा हो जाएंगे, आपको भी छुपा रही होती साथ में, ये माँ काम करती, ठीक है। पर रिश्तेदार हो ना, आए अपने घूमते फिरते मुंह में गुटका दबा के, फूफा जी आया, कोई आया, क्या हो गया, हम तो पहले ही बोले थे निकलता नहीं पीएमटी, हम तो पहले ही बोले थे कि यार नीट का एग्जाम ऐसे थोड़ा निकल जाता है, उसके लिए तो 2-3 लाख रुपए कोचिंग में खर्च करो। पिताजी की ओर देखते हुए बोलते हो, पिताजी को रियलाइज कराते हैं कि तुमने 3 लाख रुपए खर्च नहीं किए इसलिए एग्जाम नहीं निकला, पहले तुम 3 लाख का कर्जा लो किसी से, या 3 लाख रुपए अपने अपने प्रोविडेंट फंड में से निकालो, या कुछ करो ताकि तुमको थोड़ा बर्बाद होता हो देखने में, हमको खुशी मिले मन के अंदर। पिताजी सब प्रबंध किए थे, सब कुछ किए थे, वो मना भी कभी नहीं किए, लेकिन उनको रियलाइज करा है। हम तो कहे थे जब तक कोटा नहीं जाओगे ना, सिलेक्शन नहीं होने का, तब तक नहीं होने का, जाओ पहले मत्था चढ़ा के आओ वहां पे अपना, मतलब कोटा की जमीन पे जाके सिर चढ़ा, सिर झुका के जब तक अंदर नहीं घुसोगे ना, तब तक जो है वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमने, अरे जब तक 3-5 लाख रुपए खर्चना तो नीट का फील कैसे आएगा, यस आई हैव टू फील इट, क्या नीट पढ़ा मैंने, जब देखा तो वो फील नहीं आया भाई, इसलिए बच्चा नहीं निकला। आप सुन रहे चुपचाप, आपका मन तो कर रहा है फुपके एक धक्का मार के घर से बाहर निकाल दे इनको, लेकिन क्या है चुपचाप से बैठे कि भैया रिलेटिव है, रिश्तेदार है ना, बोल लो भाई वक्त तुम्हारा है, कभी हमारा भी वक्त आएगा, याद रखना व्यक्ति का वक्त बदलता है, तो आपको अपनी राय बदलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अपनी राय अपने पास रखो, बदलने से बेहतर है दो ही मत ऐसी फ्री की एडवाइस, लेकिन देते हैं लोग आके, वो ऐसे इंड्यूस करेंगे आके कि बताओ आदमी को है ना आग लग जाए अंदर सुन के। हम तो कहे थे, पहले ही कहे थे हम तो, कितने निकलने का, तुम है ना एक काम करो, बबलू को देखा तुमने, उनका लड़का बबलू कुछ नहीं करता था, उनका लड़का बबलू जो है ना एक नंबर का, क्या बोले अब, ठीक है समझ गया, अरे आधी बात तो तुम ऐसे ही समझ जाते हो, घुमा करता था बबलू को देखो, साइकिल पंचर की दुकान खोली, ऐसी दुकान चली बढ़िया, ये खुद ही पंचर करवाया था बाहर जाके कील पटक के, और देखो दुकान चला दी, बाबुलू भैया एक अलग दुनिया में जीते हैं। तो आपने कहा हम जो तैयारी करते नीट की, हमको सलाह मिल रही है कि बबलू की दुकान पे काम कर लो, हाँ काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं काम का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूं कि वो आपको दिखा रहे हैं कि तुम्हारा यही काम था, तुम गलत जगह पे आ गए। तो ऐसे लोगों को जवाब, अब आपके मन में आपके आग लगी कि यार बहुत हो गया आप तो, इटके ऐसे रिश्तेदारों को कभी भगाना नहीं, कभी कुछ बोलना ही मत पलट के उनसे, ये वो लोग हैं जो चिंगारी लगा के जाते हैं, के जो आपके आप बारूद का ढेर है, आप में जो है बत्ती लगी हुई है, जिस बत्ती को सुलगा के जाने वाले उनके, कि मतलब ये नहीं होंगे ना जिंदगी में तो हम में से बहुत सारे लोग तरक्की नहीं करेंगे, बहुत से लोग तरक्की नहीं कर पाए, ये इनके वाक्यवाण जो होते हैं ना, इनको दिखाने के लिए हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं भाई, ऐसे ही चल रहा है भारत देश। किसी ने बोल दिया किसी को एक मीटिंग में कि बड़ा ईमानदारी ईमानदारी का गाना गाते हो, इतने ईमानदार तो आ जाओ पॉलिटिक्स में, आ जाओ चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, लाल किले के आसपास यहां पे लगा के बैठे हो, तंबू लगा के बैठे हो, आ जाओ पॉलिटिक्स में, किसी ने बोल दिया दिल्ली के अंदर, वो आदमी सीरियसली ले लिया, हमारी इतनी बेइज्जती, धक्का मार के भगाओगे डंडा मार के भगाओगे, वो सीएम बन गया,
अरविंद केजरीवाल बने ही हुए तब से सीएम, वो इतना इलेक्शन हो गया हटा ही नहीं पा रहा कोई। तो भैया चुनौती जो है ना, जिसको आगे बढ़ाना हो ना उसको चुनौती दे दो आप, वो आगे बढ़ेगा। ऐसे रिलेटिव इंड्यूसिबल एजेंट होते हैं, मतलब नॉर्मल अवस्था में हम सुख थे लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि हम इंड्यूस कर गए, दैट इज इंड्यूसिबल, बड़ा काम काज